खबर उन्नाव जिले से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य शिव शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर उन्नाव की शिव शोभा यात्रा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अपनी किस्म की अनूठी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर्व आज उन्नाव में 39वीं विशाल शिव शोभा यात्रा शहर के IBP चौराहे पर गजानन के वैदिक रीति रिवाज व मंत्रोच्चारण पूजन के साथ शुरू की गई। DM उन्नाव रविंद्र कुमार, SP आनंद कुलकर्णी व BJP सदर विधायक पंकज गुप्ता ने यात्रा आयोजक मंडल सदस्यों के साथ विधि विधान से शहर के हृदय स्थल बड़े चौराहे पर स्थित झंडेश्वर महादेव के मंदिर पूजा अर्चना की। आयोजकों ने DM, SP, सदर विधायक को पगड़ी व बैज लगाकर स्वागत व अभिनंदन किया। उन्नाव में शिव शोभा यात्रा के अवसर पर बाबा के भक्त भोलेनाथ की बारात में शामिल हुए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आकर्षक झांकियां आकर्षक का केंद्र बनी रही। इनमें शिव तांडव, राधा कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। शिव भक्तों ने अवगणदानी की बारात में शामिल बारातियों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। वहीं जगह जगह भांग, ठंडाई, मेवा मिष्ठान के साथ खाने पीने के भंडारों का संचालन किया गया। यात्रा की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं CCTV कैमरे भी लगाए गए। DM रविंद्र कुमार व SP आनंद कुलकर्णी यात्रा की पल पल की अपडेट लेते रहे। यात्रा की अगवानी कर रहे गजानन का शिव भक्तों ने जगह जगह पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं यात्रा स्टेशन रोड, IBP चौराहा, कसाई चौराहा, धवन रोड, बड़ा चौराहा, झंडेश्वर मंदिर होते हुए छोटा चौराहा होते हुए यहां शिव यात्रा में हजारों की भीड़ शामिल हुई। शिव यात्रा में आस्था के आगे COVID-19 नियम बौनी साबित हुई। ऐतिहासिक, प्रत्येक वर्षों की बात है, इस बार भी ऐतिहासिक शिव शोभा यात्रा आप लोगों के सामने निकल रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ उन्नाव की नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे देश में ऐसी शिव शोभा यात्रा न पहले कभी निकली, न आज निकली, न आगे कभी निकलेगी। हमारे श्रद्धेय राजकुमार निगम जी की, जो इस यात्रा के संस्थापक थे, उनके द्वारा की गई ये यात्रा है। आज हम सब उन्नाव वासी इस यात्रा को भव्य स्वरूप प्रदान करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। आज जनपद उन्नाव में परंपरागत रूप से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस संबंध में सभी आयोजकों से पूर्व में ही बैठक हुई है और सभी ने बहुत ही शांतिपूर्वक और उत्साह से इस त्यौहार को मनाए जाने का निर्णय लिया है। पारंपरिक रूप से ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।